हाल ही में मुंबई पुलिस ने मुंबई के एक क्लब में छापेमारी की थी, जिसमें तमाम बड़े सेलिब्रिटीज को कोविड 19 के रूल्स को तोड़ने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। इसमें सिंगर गुरु रंधावा और क्रिकेटर सुरेश रैना, सुजैन खान समेत कुल 34 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद सभी आरोपियों को बेल पर रिहा कर दिया गया है और अब रिहा होने के बाद सिंगर गुरु रंधावा ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने मामले को लेकर अपनी सफाई दी है। बता दें कि पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा द्वारा जारी किए गए स्टेटमेंट में कहा गया है कि गुरु रंधावा दिल्ली के लिए सुबह निकलने से पहले पिछली रात अपने कुछ दोस्तों के साथ मुंबई में डिनर कर रहे थे। रात में अचानक हुई इस भूल के लिए वे क्षमा चाहते हैं। दुर्भाग्यवश उन्हें स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी किए गए रात्रि कर्फ्यू का जरा भी अंदाजा नहीं था, मगर वे सरकार द्वारा लागू किए गए सभी नियमों का सम्मान करते हैं। साथ ही वो वादा करते हैं कि वे भविष्य में सरकार के सभी प्रोटोकॉल्स और कोरोना की गाइडलाइंस का अच्छी तरह से पालन करेंगे। वे देश के एक नागरिक हैं और भविष्य में उसी दायरे में रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपको यह भी बता दें कि गुरु रंधावा के साथ ही सुरेश रैना की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी किया गया है। स्टेटमेंट में लिखा है कि सुरेश मुंबई में एक शूट के सिलसिले में गए हुए थे। शूट देर रात तक चला, इसके बाद वे एक दोस्त के निमंत्रण पर डिनर के लिए पहुंचे थे। उन्हें दिल्ली के लिए भी अगले ही दिन रवाना होना था। उन्हें उस जगह के प्रोटोकॉल्स और टाइमिंग के बारे में जानकारी नहीं थी। जब उन्हें नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया और उन्हें अपनी गलती का अंदाजा हुआ, उसके बाद सुरेश रैना ने तुरंत सारे नियमों को न सिर्फ माना बल्कि नियम न मानने के लिए पुलिस से माफी भी मांगी। वे सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों को गंभीरता से लेते हैं और आगे भी वे नियमों को फॉलो करते रहेंगे। तो इस तरह से दोनों सितारों ने अपनी गलती को मानते हुए अपनी सफाई पेश की है। अब आपका इस पर क्या नजरिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ जल्द मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए द हिंदुस्तान मिरर को। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस, मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया, इंस्टाग्राम पर क्या फैला है, क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके चक्के, राजनीति में क्या हो रही है उठापटक, किसने किस पर कसा तंज, अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाएं द हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।